So name the part of the plant that is shown. This is the internal structure of the root. सर क्रॉस सेक्शन नहीं लिख सकते हैं? हाँ, इट इज ए ट्रांसवर्स सेक्शन. ये भी बहुत अच्छा है, ट्रांसवर्स सेक्शन या क्रॉस सेक्शन. ठीक है, ये सब भी आप लिख सकते हो. अच्छा है ये. नेक्स्ट, लेबल द पार्ट्स ए टू एफ. ए, दिस ए इज रूट हेयर. बी, ये वाला पतला वाला, दिस इज द एपिडर्मिस. सी क्या है? कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स. डी क्या है? डी सर नहीं पता सर. एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस. ये देखो एपिडर्मिस, बाहर का लेयर. ये हो गया एंडोडर्मिस. आपके 9th क्लास के एग्जाम में तो बहुत ही रद्दी आया था. चलिए, राइट द फंक्शंस ऑफ सी एंड ई. C is the cortex and E is the phloem. Cortex का काम क्या है? It will store the food. Okay, store food and conduct water from this epidermis to the internal tissue. Okay, store food and conduct water. स्टोर फूड एक पॉइंट हो गया, दूसरा कंडक्टिंग वाटर फ्रॉम एपिडर्मिस टू इंटरनल. तो ये जो है अपना सीक्वेंस है ना वाटर फ्लो करने का. सर दो पॉइंट लिखना है सर, एक फंक्शन लिखेंगे तो नहीं मिलेगा आपको. दो पॉइंट, दो फंक्शन आता है तो लिख दो ना. क्योंकि वाटर कंडक्शन तो इंपॉर्टेंट है, ये तो मेन है, क्योंकि रूट प्रेशर वाले इसमें हमने पढ़ा मेन, उसी कॉन्टेक्स्ट में कॉर्टेक्स के बारे में पढ़े ना. तो वाटर विल फ्लो थ्रू दिस वन, वो तो इंपॉर्टेंट है. साथ में स्टोरेज ऑफ फूड भी है. ई इज द फ्लोएम. फ्लोएम इज रिक्वायर्ड फॉर द सर कैरी फूड फॉर द प्लांट. ठीक है, से कंडक्शन या ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ओके, यू हैव टू यूज द प्रॉपर टर्म्स, डोंट से कैरी. ओके, ट्राई टू यूज बेटर टर्म्स like the transport of food from the leaves to the other parts of the plant. इस तरीके से complete लिखिए, क्योंकि कई बार students क्या लिख रहे हैं answer, transport food, conduct food, carry food. Okay, best or better आपको लिखना चाहिए. तो phloem, phloem is for the transport of food from the leaf to the other parts of the plant. तो जो इस तरीके से complete sentence लिखता है, सीरियसनेस दिखाई देता है, बच्चे का सीरियसनेस दिखाई देता है. ऐसा बात नहीं है कि ऑलमोस्ट 80% बच्चे इसको 100% आंसर करेंगे, कोई डाउट नहीं है. लेकिन कंप्लीटनेस ऑफ आंसर जो देता है वो बनाता है उसका, इट मेक्स द डिफरेंस. वो दिखाता है कि बच्चे की सीरियसनेस है इसमें. नेक्स्ट, द डायग्राम अलॉन्ग साइड रिप्रेजेंट्स ए लेयर ऑफ द एपिडर्मल सेल शोइंग ए फुल्ली ग्रोन रूट हेयर. स्टडी द डायग्राम एंड आंसर फॉलोइंग. लेबल द पार्ट्स ए बी सी डी. ए क्या है? यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फिर कंफ्यूज हुए, क्यों भैया? यहाँ तो आपको जूम का भी इफेक्ट रहता है. देख लो, ए का लेबल कहाँ पे है? ये क्या है? ए क्या है? सेल वॉल है क्या? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? क्या है? बी को देखिए, बी का कहां पे है? अब बताइए. प्लाज्मा मेम्ब्रेन था ए. हाँ, ए इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड बी इज द सेल वॉल.
सी, ये क्या है, सी क्या है, देखिए अंदर, हाँ इट इज द सैप, इज इट, आर यू श्योर इट इज द सैप? हाँ सर। ये अंदर में जो खाली खाली जैसा लग रहा है ये क्या है सर? एपिडर्मल सेल। एक ही सेल है ना ये पूरा सर? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो यहाँ पे है, डी। प्लांट सेल में क्या ऑर्गन, कौन सा ऑर्गेनल बहुत बड़ा होता है? ये जो अंदर है ये वैक्यूल है, और वैक्यूल के अंदर जो होता है उसको बोलते हैं सैप, और इसका लेबल देखिए बाहर की तरफ में है, क्योंकि प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म एकदम इतने बड़े वैक्यूल होने के कारण उसको पुश कर देता है, एकदम साइड कर देता है, तो ये हो गया साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये वाला पॉइंट आप समझ गए, ये अंदर वाला वैक्यूल है, और वैक्यूल के अंदर जो रहता है उसको बोलते हैं सैप। ये वाला पॉइंट सबको समझ में आया? कोई डाउट इसमें? नहीं सर। नेक्स्ट, दी रूट हेयर सेल इज इन ए टर्जिड स्टेट, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रोसेस दैट कॉज्ड दिस स्टेट। टर्जिड कब होगा? टर्गोर प्रेशर के कारण। प्रोसेस, प्रोसेस बोलिए, किस प्रोसेस के कारण टर्जिड बनेगा सेल? सर एंडो ऑस्मोसिस के कारण। यस, एंडो ऑस्मोसिस। ड्यू टू एंडो ऑस्मोसिस मोर वाटर विल एंटर इनटू द सेल एंड इट विल बिकम टर्जिड। यहां पे कई स्टूडेंट्स ने आंसर लिखा ऑस्मोसिस, आंसर गलत नहीं है, लेकिन एग्जामिनर के पास अगर की ये रहा एंडोस्मोसिस तब तो आपका कट गया, रॉन्ग आंसर। ओके, परफेक्ट आंसर आपको बताना है एंडोस्मोसिस है कि एग्जोस्मोसिस है, क्योंकि दोनों टाइप आपके सिलेबस में है ना, ऐसा बात नहीं है कि ऑस्मोसिस पहली बार आपको सिखाया जा रहा है। ओके, सो टर्जिड स्टेट कब बनेगा? जब वाटर अंदर एंटर करेगा एंडोस्मोसिस के द्वारा। दूसरा, मेंशन वन डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन पार्ट्स लेबल्ड ए एंड बी। ए क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बी है सेल वॉल, दोनों के बीच में एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस क्या होगा? हाँ, वन डिस्टिंक्ट डिफरेंस इज विथ रेस्पेक्ट टू परमीएबिलिटी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, well as the cell wall is freely permeable. Draw a diagram of the above root hair cell as it would appear when a concentrated solution of fertilizer is added to it. जब concentrated solution of fertilizer डालेंगे तो क्या हो जाएगा cell में? Exosmosis हो जाएगा। तो आप क्या करोगे कि इस तरीके से लंबा सा सेल था, अब ये जो लंबा सेल है इसके अंदर हमने देखा कि ये उसका ओरिजिनल स्टेट। ओके, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, वैक्यूल है, लेकिन जब इसमें हाइपरटोनिक में डालेंगे दैट इज द कॉन्सेंट्रेटेड फर्टिलाइजर सॉल्यूशन, तब क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। ये आपका पूरा यहां पे आ जाएगा, यहां पे आपको कोई वैक्यूल वैक्यूल कुछ नहीं, यहां पे क्या आ गया, इसे प्लाज्मोलाइज्ड सेल, फ्लैसिड। ओके, जो प्लास्मोलाइड या फ्लैसिड सेल है आप अपने टेक्स्ट बुक में देखेगा, डायग्राम बना हुआ है, तो कैसा हो जाता है इस तरीके से एकदम सिकुड़ के बॉल जैसा बन जाता है अंदर, ये सब सेल के कंटेंट एक जगह आके सिकुड़ जाते हैं, सेल वॉल को छोड़ देता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल को छोड़ के एक कोने में आके सिकुड़ जाता है। यहाँ पे क्या, ये क्या सोल्यूशन रहेगा यहाँ पे?
हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक रहेगा। हाँ, इसमें हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रहेगा, जो बाहर में जो सॉल्यूशन है वो इधर एंटर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका फिगर बन जाएगा। ओके, तो या तो आपको डायग्राम बनाने बोला जा सकता है, या पूछा जाएगा कि भाई क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिक टर्म बोलना है, एक्सोस्मोसिस, ड्यू टू एक्सोस्मोसिस द सेल्स विल बिकम प्लाज्मोलाइज्ड एंड अपीयर फ्लैसिड। ठीक है, आपको ये दोनों शब्द को छोड़ना नहीं है। क्यों? दोनों शब्द तो एक ही जैसा लग रहा है, प्लास्मोलाइज्ड और फ्लैसिड, प्लास्मोलाइज्ड सेल फ्लैसिड। हाँ, तो क्या करोगे कि द सेल इज प्लास्मोलाइज्ड एंड अपीयर्स फ्लैसिड, ऐसे करके लिखना है आपको। ओके, व्हाट प्रोसेस टुक प्लेस, एक्सोस्मोसिस टुक प्लेस। ओके, गॉट माय पॉइंट। जब भी फ्लैसिड बोलो, प्लाज्मोलाइज्ड बोलो, दोनों शब्द का प्रयोग करो, बोलो प्लाज्मोलाइज्ड एंड अपीयर फ्लैसिड, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, गिवन अलोंगसाइड इज अ डायग्राम ऑफ अ सेल सीन अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर बीइंग प्लेस्ड इन अ सॉल्यूशन। हां, देखिए ये तो आपको बनाया यही क्वेश्चन में ही है, ये प्लाज्मोलाइज्ड सेल है। गिव व्हाट इज द टेक्निकल टर्म ऑफ द स्टेट और कंडीशन ऑफ द सेल गिवन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाला है सर। क्वेश्चन क्या है, टेक्निकल टर्म फॉर द स्टेट और कंडीशन ऑफ द सेल, ये क्या कंडीशन में है, सेल किस कंडीशन में है सर? प्लास्मोलाइज्ड। सो यू कैन से द सेल इज प्लास्मोलाइज्ड एंड अपीयर्स फ्लैसिड। ओके, दोनों पॉइंट मैंने जैसे बताया लिखना है आपको। ओके, टर्म दैट स्टेट एंड कंडीशन ऑफ द सेल अपीयर्स प्लास्मोलाइज्ड और फ्लैसिड, ऐसे करके लिखिए, या द सेल इज प्लास्मोलाइज्ड एंड अपीयर्स फ्लैसिड, ऐसे करके लिखिए, दोनों ठीक ठीक रहेगा। गिव द टेक्निकल टर्म फॉर द सॉल्यूशन इन विच द सेल वॉज प्लेस्ड, किस सॉल्यूशन में इस सेल को रखा गया। हाइपरटोनिक। नेम द पार्ट्स ए टू डी। ए क्या है सर? न्यूक्लियस। कोई है जो हर जगह न्यूक्लियोलस न्यूक्लियोलस लिखा था, कौन लिखा था? एवरीवेयर वेर एवर न्यूक्लियस लिखना था वहां पे आपने लिखा न्यूक्लियोलस। तो देखिए, हम ये नहीं बोलते हैं कि आप 100% गलत हो। ये न्यूक्लियस के अंदर जो डार्क पोर्शन है उसके ऊपर ये जा रहा है, तो हो सकता है आप उस पॉइंट ऑफ व्यू सोच के न्यूक्लियोलस लिखे हो, गलत नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन आप कॉन्टेक्स्ट देखिए ना, आप किस कॉन्टेक्स्ट में, आपके सिलेबस में कहीं पे भी न्यूक्लियोलस का गप हुआ है क्या? न्यूक्लियोलस का आपको कहां काम हुआ है बताइए? सेल साइकिल में न्यूक्लियोलस का कहीं पे गप हुआ? नहीं सर। बेसिक ऐसा नहीं, वो आपका वो चैप्टर वन में जो इंट्रोडक्शन टू सेल बायोलॉजी में रिवीजन हमने किया, लेकिन कहीं पे भी डायरेक्टली आपको न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस का काम ही नहीं आया। तो आप बचिए इन चीजों से, जो आपका एग्जैक्ट जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें आप जाइए। ए इज द न्यूक्लियस, बी इज द एकदम अंदर चला गया था एरो, इसीलिए हम लिख दिए साइटोप्लाज्म। सी का जो लेबलिंग है थोड़ा सा ऑफ गया है, साइड चला गया, बट स्टिल ये वैक्यूल है जो कि छोटा हो गया। और डी क्या है सर? हाइपर सर नहीं पता सर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि ये प्लास्मोलाइज्ड सेल है तो इधर पूरा भर गया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। वही लिखा था। इज द सेल गिवन ए प्लांट सेल और एनिमल सेल? गिव टू रीजंस टू सपोर्ट योर आंसर। ओके, इट इज ए प्लांट सेल बिकॉज इट इज हैविंग सेल वॉल। फर्स्ट सेल वॉल है एंड अदर सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज नॉट प्रेजेंट, क्लोरोप्लास्ट इज प्रेजेंट। या सेंट्रोसोम इज नॉट प्रेजेंट।
ओके, क्लोरोप्लास्ट तो पता नहीं चल रहा आपको, इसमें पता नहीं कैसे पता चल रहा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में, तो सेंट्रोसोम तो नहीं है न्यूक्लियस के पास, ये चीज हम लोग बोल रहे हैं। चलिए, व्हाट वुड यू डू टू ब्रिंग दिस सेल बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट? So some of you place it in hypotonic solution. Okay, you will keep it in the hypotonic solution. Some of you have answered keep it in water. Okay, तो आप लिखिए water लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन definitely ये शब्द आपको use करना है hypotonic. The figure given below is a diagrammatic representation of a part of the cross section of the root in the root hair zone. Study the same and then answer the question that follows. Okay, ये root hair है, बाहर में soil है. So, इसको लेबलिंग करना है पहले 1, 2, 4. सो नंबर 1 इज द रूट हेयर, 2 क्या है सॉइल वाटर है, क्योंकि देखिए वाटर जो है सॉइल पार्टिकल के ऊपर ऐसे एब्जॉर्ब करके रहता है, एक पतला लेयर बना के रहता है. केवल सॉइल आप लिखोगे नहीं, आंसर में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा. सॉइल वाटर, सॉइल वाटर देखिए जा रहा है अंदर. उसके बाद थर्ड वन इज द जाइलम वेसल, फोर्थ इज द कॉर्टेक्स. ओके, लेबलिंग पे ध्यान देंगे. मैंने इसके पहले भी बताया इस चैप्टर में लेबलिंग का क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है. 100 अगर 100% में हम लोग चल रहे हैं तो हमको तो लग रहा है 90% का कम से कम प्रोबेबिलिटी ये लेबलिंग इस चैप्टर से आएगा ही आएगा इस बार. विच इज द प्रोसेस दैट इनेबल्स द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट? ये प्रोसेस किसके कारण हो रहा है सर? एंडोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस, पैसेज ऑफ द वाटर फ्रॉम सॉइल टू रूट हेयर. ठीक है, सॉइल से रूट हेयर, एंडोस्मोसिस. नेम द प्रेशर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर इन द डायरेक्शन इंडिकेटेड बाय द एरो. कौन से प्रेशर से जा रहा है इस? रूट प्रेशर. उसको डिफाइन आप कर सकते हैं. नेक्स्ट, ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ दिस प्रेशर समटाइम्स drops of water are found along the leaf margins of some plants, especially in the early mornings. What is the phenomena called? Gutation. Okay, fortunately most of you have written the spelling correct. Draw a labeled diagram of the root hair cell as it would appear if the excess of fertilizer is added to the soil close to it. ये same diagram है जो ऊपर हमने बनाया, वही चीज repeat हुआ यहाँ पे. Rewrite the correct terms in the terms in the correct order. So that in the logical sequence में आप शुरू कीजिए. कहाँ से शुरू करेंगे? Soil water. Soil water. वहाँ से? फिर root hair. वहाँ से? Cortex. Endodermis. Okay. This is the sequence. Sir, endodermis के बाद xylem भी है sir. हाँ, xylem. Okay. या तो आपको डायग्राम में इस तरीके से क्वेश्चन आएगा या डायरेक्टली इसको ऐसे सीक्वेंस में अरेंज करिए ऐसा करके क्वेश्चन आएगा ये, लेकिन क्वेश्चन तो आना ही आना है. मेंशन टू एडेप्टेशंस ऑफ द रूट हेयर फॉर अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल. यहाँ पे एक ठो तो है लार्ज सरफेस एरिया और सर एब्जॉर्बिंग वाटर मिनरल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. हाँ, लार्ज सरफेस एरिया है. नहीं, वो गलत आंसर है. तुम देखो, लार्ज सरफेस एरिया, थिन सेल वॉल, ओके, और दूसरा है हाइपरटोनिक सेल सैप. ये इंपॉर्टेंट है, हाइपरटोनिक सेल सैप तो इंपॉर्टेंट है ना. अगर वैक्यूल के अंदर जो है सैप जो है वो कंपेयर्ड टू आउटसाइड सॉइल वाटर अगर वो हाइपरटोनिक नहीं रहेगा तो क्या पानी अंदर आएगा क्या? सर यहाँ पे लिखा है सर एडाप्टेशन जो रूट हेयर लेता है तो
रूट हेयर, ठीक है सर। आपने आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट लिखा, सेंटेंस पूरा बताइए। सर दे अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट से ही लिखे। सो बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट दे आर एब्जॉर्बिंग द, क्या लिखे सर? वाटर एंड मिनरल्स। गलत लिखे ना, आपको समझ में आ रहा है कहाँ गलती है? वाटर का एब्जॉर्प्शन किस प्रोसेस से हुआ रूट हेयर में? एंडोस्मोसिस। हाँ तो वो तो है नहीं, आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैसे घुसा दिया वाटर एब्जॉर्प्शन को? मिनरल एब्जॉर्प्शन, हाँ मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे, मिनरल के बारे में पूछ रहा है क्या? नहीं सर, टू एडाप्टेशंस जो रूट हेयर लेता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, वाटर ओनली वाटर। ओके यहाँ कंफ्यूज मत होइए, वाटर का अलग काम है, मिनरल का अलग काम है। ओके तो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए हाइपरटोनिक सेल सैप, ये क्वेश्चन भी बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन है, मैं इसमें कितना स्टार्स डालूं मुझे नहीं पता। हाइपरटोनिक सेल सैप, इस चीज पे बच्चे बार बार कंफ्यूज होते हैं। हाइपरटोनिक यानी हमेशा बाहर का ज्यादा, बाहर का ज्यादा। नहीं भैया, सेल के अंदर भी ज्यादा हो सकता है। किसमें? रूट हेयर में ऐसा होता है, जो कि सेल सैप जो है, वैक्यूल का जो सैप है वो हाइपरटोनिक होता है, जिसके कारण पानी बाहर से अंदर आ रहा है। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है। ओके इस पॉइंट को मत भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गिव द बायोलॉजिकल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द अपटेक ऑफ मिनरल आयंस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। द फिनोमिना ड्यू टू विच वुडन डोर्स स्वेल अप इन द रेनी सीजन, इंबिबिशन। इंबिबिशन। द फिनोमिना रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सेल वॉल, प्लास्मोलाइसिस। Yes, you can say plasmolysis, you can say exosmosis. The pressure exerted by the cell contents on the plant cell wall, Perovskite pressure. The pressure which conducts water and minerals from the roots to the other parts of the plant, root pressure. The process by which water enters into the root hair cells, xylem. Sorry, process. The process by which water enters into the root hair cells, बाकी लोग क्यों शांत है भैया? प्रिंस अभी तुम 5 मिनट आंसर मत करो, आई वॉन्ट टू आस्क वन बाय वन। चलो प्रोसेस, आयुष्मान बोलिए, प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स इनटू द रूट हेयर सेल। प्रियतोष बोलो सर, क्वेश्चन फिर से बोलिए ना। प्रोसेस बाय विच वाटर एंटर्स इनटू द रूट हेयर सेल्स।